इस बार पंकज सारस्वत ने बहुत रिसर्च करके स्टडी करके ये शो बनाया और आईपीएल की तर्ज पे, जिस तरह से आईपीएल में बहुत सारी टीमें होती हैं वो आपस में कॉम्पीट करती हैं, इसी तरह से इस शो का नाम है आईएमएल, इंडियन मजाक लीग। तो इसमें 5 टीमें बनी हुई हैं, एक पंजाब की टीम है, एक यूपी बिहार की टीम है, एक गुजरात की टीम है, एक महाराष्ट्र की टीम है, एक राजस्थान की टीम है। तो मैं यूपी बिहार वाली टीम का कैप्टन हूँ और हर टीम में कुछ 5-5 लोग हैं, तो मज़ा आएगा, एक डिफरेंट लग रहा है मुझे कॉमेडी की फील्ड में। मैं तो अब प्रेशर नहीं लेता हूँ, जो काम आएगा, जो स्क्रिप्ट आएगी, जो जाएगा, मैं उसको प्ले करूँगा, इंजॉय करूँगा। अब वो प्रेशर लेने वाला और वो सब टाइम गया, तो मैं जो भी काम करता हूँ मैं खुद इंजॉय करता हूँ पहले, खुद मज़े लेता हूँ और दैट्स व्हाई फिर वो मज़ेदार होके निकलता है। अभी देखिए हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी जज तो ऑडियंस होती है, और ये बात सही है कि समय समय पे कॉमेडी और ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं ज़िंदगी में। हमारा जो पहला आया था लाफ्टर चैलेंज 2005 में, 11 साल हो गए उसको, तो तब बहुत लंबे लंबे आइटम चलते थे, उनका ड्यूरेशन बहुत रहता था। अभी थोड़ा नेट और ये सब आ जाने से सब कुछ फास्ट हो गया, अब आइटम हमें छोटे छोटे करने चाहिए। हम लोगों को इतना पेशेंस नहीं है इतना कोई भी आइटम 12 मिनट का देखने का, 14 मिनट का देखने का। पहले वाला मेरे आपको याद होगा जो मेरे शादी का आइटम था वो 14 मिनट का था, शोले का आइटम था वो 12 मिनट का था, मेले का आइटम था 10 मिनट का था। अब ये कि लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे हो और फिर चेंज हो जाए, तो 3-3 मिनट का। नहीं, मैं विंटरफेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स से, इंडियन मजाक लीग। मैं कतई कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं गुजरात को नहीं, मैं विंटरफेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। विंटरफेल नाम की एक जगह है एंड यू कैन कॉल मी द किंग इन द नॉर्थ। पहली बात तो है कि हमारा काम हंसाना है, करेक्ट। तो और वैसे भी ओशो एक बात कहते थे कि जो हंसता है वो ईश्वर के लिए इबादत करता है, और मैं कहता हूँ कि जो हंसाता है ईश्वर उसके लिए इबादत करता है। तो ये तो मुस्कुराहट का काम इसमें ज्यादा कम नहीं, मतलब इतनी गहरी बात बोल दी कि हमारा काम हंसाना है, ओशो एक बार कहते थे कि जो बट बड़ी सही बात बोली भाई आपने कि हमारा काम हंसाना है। और कंपटीशन तो ऑफ कोर्स है यार, कंपटीशन की भावना के साथ साथ अव्वल तो सारे दोस्त ही हैं। एंड जैसे मैं हर रोज मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सीखूंगा और इन्हीं से इन्हीं का माल चुरा के ऐसा तड़का लगा के पेश करूंगा, इन्हीं को पता नहीं चलेगा, सबको हरा दूंगा। क्या देसी घी ज़्यादा खाते हैं, ऐसे तकड़े हैं हम। अच्छा, तो कैसे कम्पीट करेंगे आपकी, वो भी महारथी है कॉमेडी में, आप भी हैं जी, तो मतलब ज़्यादा कॉमेडी का फ्लेवर या कंपटीशन का फ्लेवर दिखने वाला है? नहीं, इसमें तो चलिए एक ये एक कंसेप्ट ऐसा है, ये एक फॉर्मेट ऐसा है कि कंपटीशन होगा इसमें, लेकिन व्हाट आई फील कि कॉमेडी का कोई कंपटीशन नहीं होता ना, कि कॉमेडी में मेरा काम है हंसाना, तो मैं वहाँ पर इसको ये माइंड में नहीं रखूँगा कि मैंने इस तरह वाला कोई सीन नहीं है, सिर्फ कॉमेडी करूँगा और अच्छा लगेगा तो वो हंसेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो गुजरात के लोग ज़्यादा क्या करते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि लिखी नहीं जाती, वो खुद ही ऑब्ज़र्व की जाती हैं। ये नहीं कि वो राइटर ऑब्ज़र्व करता है फिर वो आपको बताता है, अगर वो ऑब्ज़र्व करके बताएगा तो ऑब्ज़र्व करके खुद क्यों नहीं कर सकता वो ना। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं लिखी जाती कभी। हाँ, गैग्स होते हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स होती हैं,
उनकी स्क्रिप्ट्स में भी जो कॉमेडी है जिस जिस एक्टर ने करनी होती है वो उसके हिसाब से ही लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो नहीं लिखी जा सकती है ना। जिस तरह से सपोज़ मान लो इमरान हाशमी साहब की पिक्चर है तो इमरान हाशमी जी को माइंड में रखकर वो फिल्म उस हिसाब से लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई उस तरह की फ़िल्म लिख दी है तो उसमें कह लो जी इमरान हाशमी जी इसमें कर दिए ना, तो ऐसा नहीं होता। तो वो गैग्स होते हैं, गैग्स में राइटर्स जो लिख देते हैं उसके बाद हमें अपने तरीके से अपने एक स्टाइल की इनपुट डालनी पड़ती है, तो वो हम डालते हैं।